देपालपुर के श्री 24 अवतार मंदिर परिसर में 4000 से ज्यादा किसानों का 40 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री बाला बच्चन, कृषि मंत्री सचिन यादव और स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए। कार्यक्रम के दौरान करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया गया। कार्यक्रम में तहसील स्तरीय किसान सम्मान एवं श्री 24 अवतार मंदिर सभा मंडप के मार्बल फर्श का लोकार्पण, चारों नगर परिषदों तथा जनपद पंचायत क्षेत्र के भूमि पूजन किया गया का कार्यक्रम था। और पूरे इंदौर जिले में अभी तक करीब दोनों किस्तों में 35,000 किसानों का 210 करोड़ रुपए माफ हो चुका है। और देपालपुर विधानसभा का आज 4,777 किसानों का 35 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ है। तो देपालपुर विधानसभा के किसानों का और इंदौर जिले के और मध्य प्रदेश किसानों को इसकी बधाई और शुभकामना। और माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश के किसानों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। देपालपुर गौतमपुरा के 130 हाथों के 150 लोगों को पट्टे भी दिए। कार्यक्रम में मंत्रियों ने कहा कि भाजपा ने झूठ व छलावे के अलावा कुछ नहीं किया। महिलाओं व बच्चों पर अत्याचार हुए। क्षेत्रीय विधायक विशाल पटेल ने मांग की है कि देपालपुर कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहाँ एक बड़ी कृषि मंडी की आवश्यकता है। इस पर तत्काल कृषि मंत्री यादव ने कहा कि आप जगह देखिए, जल्दी ही काम शुरू कर दिया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र दुबे ने किया। देपालपुर से दीपक जाट की रिपोर्ट। मेरे माननीय मंत्री जी और माननीय कमलनाथ जी के से निवेदन किया, आप लोगों के बीच में माननीय जयवर्धन सिंह जी नगरीय प्रशासन मंत्री भी आए थे। और जिस दिन मैंने उनसे निवेदन किया इसी प्रांगण के अंदर, उसी दिन उन्होंने स्वीकृति दे दी और 4.5 करोड़ का कुंड इसी परिसीमा के अंदर बनने जा रहा है। आपको 100 किलोमीटर जरूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मंदिर की अगर कोई भी बात होती हो, आज लोकार्पण इस मंदिर के अंदर जो फर्श का है, आप लोगों ने एक विश्वास जताया था। यहाँ के देपालपुर के हर एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि हमें यहाँ इस मंदिर के अंदर एक अत्याधुनिक और अच्छा फर्श तैयार मिल जाए, ताकि है कि यहाँ के जितने भी लोग आते हैं उनको सुविधा हो। चुनाव जीतने के पहले मैंने आप लोगों से वादा किया था और आज 51 लाख रुपए का फर्श का भूमि पूजन ही लोकार्पण माननीय मंत्री द्वारा आज हुआ है। हमारे किसान साथियों का को ऋण माफ़ी का लाभ देने का काम किया जा रहा है। प्रथम चरण में हमने मध्य प्रदेश के 20 लाख से अधिक किसानों का 7,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ़ करने का काम किया गया, जहां पर उन किसानों को प्रथम चरण में लाभ दिया गया जिनका चालू खाता था, उनको 2 लाख तक का ऋण माफ़ करने का काम किया गया। और जिनका कालातीत खाता था उनका जो है 2 लाख तक का ऋण माफ़ करने का काम किया गया। और चालू खाते के जो किसान साथी हैं उनको 50,000 रुपये तक का जिनका ऋण था उनको ऋण माफ़ी का लाभ प्रथम चरण में दिया। अभी हमने हमारा दूसरे चरण चालू किया है। इस दूसरे चरण में वो किसान साथियों को शामिल किया जाएगा जिनके ऊपर 50,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक का जिनके ऊपर ऋण है। और साथ ही साथ वो किसान साथी जो प्रथम चरण में जिनके कालातीत खाते थे लेकिन किसी कारण से वो ऋण माफ़ी में नहीं आ पाए हैं, उनके खातों में कोई प्रकार की त्रुटि थी, चाहे वारिसान की समस्या, वो सारी त्रुटियों को सुधार करके दूसरे चरण में ऋण माफ़ी लाभ देंगे। किसानों के लिए भी सौगात की बात कही आपने। निश्चित रूप से हमारे विधायक जी जो हैं काफ़ी समय से जो है यहाँ पर एक जो मंडी प्रांगण है, वो मंडी प्रांगण जो है यहाँ पर छोटा है, उसको लेकर के वो अपनी बात रख रहे थे। तो हमने उनसे कहा है कि जो है जमीन जो है दें और जमीन आने के बाद जो है